तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मैं इंडिया के सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराता हूँ। एज अ रिजल्ट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर कर रहे हैं और उनकी अलग अलग तरह की क्वेरीज आती हैं। और एक अभी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि सर IUCL या ONGC के अंदर सेलेक्ट होने के लिए मतलब आपके पास गेट मैकेनिकल एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो राजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी स्टूडेंट ने मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की है, जो भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पीछे गया है, वो कभी वापस नहीं आया। उसका कारण ये है राजी कि जो गेट मैकेनिकल एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं गेट एग्जाम के लेवल पर, जो कि हर साल अलग होता है। मतलब अगर गेट एग्जाम अगर आसान आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 100 जो है वो 90 मार्क्स पे आ रहा हो, और अगर जो गेट एग्जाम का लेवल है वो मुश्किल है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक 100 जो है वो 70 मार्क्स पे आ रहा हो, ठीक है। तो मतलब जो गेट का जो गेट के मार्क्स हैं कि IOCL या ONGC या किसी भी PSU के अंदर सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है गेट एग्जाम के लेवल पर कि वो आसान है या मुश्किल। और हमें नहीं पता कि जो एग्जाम अब आने वाला है 24 में 25 में उसका लेवल कैसा होगा। कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मे बी शायद आप अपने माइंड में ये टारगेट लेके चल सकते हैं कि मुझे इंडिया के टॉप 100-200 रैंक्स में आना है, वो शायद टारगेट शायद फिर भी सही हो सकता है। पर अगर आप ये सोचें कि मुझे मतलब 80 मार्क्स लेके आने, 90 मार्क्स लेके आने गेट एग्जाम के अंदर, तो ये चीज बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। मतलब मैं सन 2012 से मैकेनिकल इंजीनियर्स को गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ और मैंने देखा है कभी लेवल आसान होता है, कभी मुश्किल होता है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल 2012 का ही जो पेपर था, मतलब वो लेवल जो था उस एग्जाम का काफी अप था। एज अ रिजल्ट मतलब मुझे भी याद है मतलब 60 मार्क्स पे मतलब आपको 400 रैंक आपको मिल गई थी 60 मार्क्स के ऊपर, आउट ऑफ 160 मार्क्स पे, ठीक है। तो ऐसे में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, वो अपने सीनियर्स से बात करके गए थे, उनके सीनियर्स ने उन्हें बोला था कि तुम्हें 70-80 नंबर लेके आने इस एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें IITs में सिलेक्शन चाहिए। तो बच्चे जब एग्जाम के दौरान उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो बच्चों ने पैनिक करना शुरू कर दिया और तुक्के मारने शुरू कर दिए, एंड एज अ रिजल्ट हुआ कि वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए, उनके जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गए। और जिन लोगों ने मतलब मतलब ऐसा अपना जो माइंडसेट है वो मैनेज करके रखा, अपना आपा नहीं खोया एग्जाम के अंदर, जितना पेपर हो पाया उन्होंने वो किया, तसल्ली से किया, शांति से किया, उन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और यही ऐसा भी होता है जब पेपर का लेवल, और वाकई में ऐसा हुआ है, आप मानोगे नहीं पर ऐसा हुआ है, मतलब गेट एग्जाम हुआ और मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, वाज रियली वेरी हैप्पी, बोलते सर मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए, मतलब मैंने हिसाब लगाया एग्जाम में 70 मार्क्स मेरे आ चुके थे, मतलब मुझे पता था कि 70 नंबर का सही है, और उसके बाद तो मैं खुशी के मारे पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाया। एंड दिस इज ट्रू कि मतलब भी जो टारगेट मैंने सेट किया था मैंने अचीव कर लिया, और उसके बाद तो मतलब मैं पेपर ही नहीं सॉल्व कर रहा था, मतलब स्टूडेंट ने बात बोली। और जब उसने बात बोली आई वॉज नॉट दैट हैप्पी बिकॉज उसने अपना बेस्ट एग्जाम के अंदर वो किसी भी रीजन से वो नहीं दे पाया और उसे अपना बेस्ट देने की जरूरत थी। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो मतलब पता चला कि पेपर जो था वो बहुत आसान था और कट ऑफ जो थी वो ऊंची गई थी, तो जो वो डिजर्व करता था वो उसे मिला नहीं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप लोगों से एक निवेदन है, कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागिए कि एग्जाम में आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। नंबरों के पीछे मेरे भाई बिल्कुल भी गलती से भी ना भागो, ठीक है। आप मतलब कोशिश करो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने की, पहले उस सिलेबस पे फोकस करो जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स जो आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं, आप पहले उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, पहले उन सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए, फिर बाकी का सिलेबस आप पूरा कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर टाइम है तो बुक के एग्जांपल्स को करिए, और जो मटेरियल इतना मार्केट में अवेलेबल है आप मटेरियल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहे आप कोई से भी ज्वाइन करते हैं, सिंपली डजंट मैटर्स, पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करना, उसे देना बहुत जरूरी है, और सिर्फ देना ही नहीं उसके अंदर अपनी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। तो अपनी गलतियों को सुधारिए, ठीक है, और टाइम टू टाइम प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर मतलब प्रिपेयर कर रहे तो उनकी उनके जो डाउट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप अपने मनचाहे गोल तक जो भी है आप वहां तक जरूर पहुंच पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है,
आप मुझे पर्सनली चैट व्हाट्सएप में आप चैट कर सकते हैं, ठीक है, या मेरा जो मोबाइल ऐप है उस गेट मैकेनिकल मनीष चंद्र गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उसके चैट सेक्शन में आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरे फ्री कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत कम है। वन ईयर कोर्स की फीस सिर्फ 100 रुपी पर मंथ है, टू ईयर कोर्स की फीस सिर्फ 75 रुपी पर मंथ है, थ्री ईयर कोर्स की फीस सिर्फ 60 रुपीज पर मंथ है, मतलब वन ईयर फॉर 1200, टू ईयर फॉर 1800 एंड थ्री ईयर फॉर जस्ट 2100, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स को मत ढूंढिए, ठीक है, फ्री कंटेंट मत ढूंढिए, मतलब ये भी ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है, इतनी कम फीस में आप एक साल दो साल तीन साल तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से कोर्स ज्वाइन कीजिए और जो प्रीमियम कंटेंट है उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसेस कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।